हे गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग विद न्यू डे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं 7 बजे उठ गया था और अभी 8:05, 8:10 हो रहे हैं और पानी बहुत ही ठंडा है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -3 है, बट इट फील्स लाइक -7 और -8। पानी छूते ही 5 से 10 सेकंड में हाथ पूरा सुन्न हो जा रहा है। एनीवे, रेडी होता हूँ, रेडी होने के बाद आपसे मिलता हूँ और फिर बताता हूँ कि आज कहाँ चलने वाले हैं और आज मैं क्या दिखाने वाला हूँ। इस व्लॉग में मैं आपको लेके चल रहा हूँ पर्सिस टेम्पल, जहाँ पे हॉट स्प्रिंग वाटर है जिसका टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस वेरी करता है ये वेदर के अकॉर्डिंग। तो अभी ये थे अंकल जिन्होंने मेरे को रास्ता बताया कि कैसे जाना है। लास्ट टाइम जब मैं जोगनी वाटरफॉल के लिए जा रहा था तो शायद वही रूट, वही ट्रेल है, आई थिंक वही ट्रेल है मुझे लग रहा है, क्योंकि बगीचा वगैरह बीच में आया था। तो अभी देखते हैं, अभी अंकल को बाय बोलने का टाइम आ गया। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ मैं जा चुका हूँ वहाँ पे, जोगनी वाटरफॉल गया था ना। हाँ, अच्छा, ओके, बगीचे से जब नीचे उतरते हैं तो एक वहाँ पे होटल भी मिलता है। अच्छा, वहाँ पे लोग रह रहे थे उस दिन मैंने देखा तो। अच्छा ठीक है। तो अभी अंकल ने पूरा मेरे को रूट लाइक पूरा ट्रेल बता दिया कि कैसे। मुझे बहुत लग रहा है कि मतलब सेम जगह उसी जगह से जाना है जहाँ से मैं आया था, लाइक जहाँ से मैं गया था जोगनी वाटरफॉल के लिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। टाइम हो रहा है 9:21। कोशिश कर रहे हैं कि 4 बजे तक मैं सब कुछ करके वापस आ जाऊँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, फिर आगे मिलता हूँ आपसे। ओके बाय अंकल। ये मेरा ट्रैवल पार्टनर ये बेचारा मेरे साथ साथ चल रहा है और लिटरली इसके होने से इतना सेफ फील हो रहा है ना, मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ चलो यार कोई तो है मेरे साथ, इतना क्यूट है बेबी। What happened? What? Don't scare me. Hey baby, hey. Aww. No. Don't do this. Don't. Oh my God, literally ये बहुत ही ज़्यादा possessive है, बहुत ज़्यादा possessive. उस dog को मेरे पास आने नहीं दिया, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, उस डॉग को मेरे पास साइन नहीं दिया। वो आकर के मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहा था बट पता नहीं शायद इसको अनसेफ लगा या पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, इसने आने नहीं दिया, उसे भगा दिया। आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ, बैड डॉग या गुड डॉग, बट उसको भगा दिया, लिटरली उसको भगा दिया। माई गॉड, बहुत अमेजिंग है यार ये, बहुत ही अमेजिंग है। काश मैं इसको घर ले जा पाता। यहाँ पे मुझे कैरेंस मिले, आपको दिख रहा होगा, पता नहीं मैं सही पॉइंट कर रहा हूँ या नहीं,
टोक्यो ऐसे दिख नहीं रहा है, हाँ वो रहा। तो मैंने जैसे इससे पहले वाली ब्लॉग में आपको दिखाया भी था, कैरेंस मैं भी बना रहा था जब मेडो के लिए गया था। तो ये कैरेंस का मतलब ही है कि यहाँ से रास्ता है, बट ये पूरा मतलब मुझे देख के लग नहीं रहा कि रास्ता कैसे है, कैसे क्यों लोगों ने बनाया है, बट यहाँ पे जाते हुए लोगों को मैं देख सकता हूँ। मतलब उनके जो ट्रेल्स हैं, जो फुटप्रिंट्स हैं, वो सब दिख रहे हैं। अब पता नहीं वो लोग किधर से गए हैं, एक्चुअल में इसको क्रॉस करके गए हैं या फिर ये जो ट्रेल है ये उस साइड के लोगों का है, ये कन्फ्यूजन है। अभी देखता हूँ यहाँ पे एक बंदा घूम रहा है, उससे मैं पूछता हूँ कि कैसे इसको क्रॉस करूँ। सिर्फ ये ब्यास रिवर है, सिर्फ ये बीच में आ रहा है, इसको क्रॉस करते ही डायरेक्ट मैं उस पार चला जाऊँगा, जो कि बहुत ही शॉर्टकट था, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट। तो चलो फिर इसे क्रॉस करता हूँ, क्रॉस करने के बाद आपसे मिलता हूँ। बेबी ये भी बैठा ही हुआ है, ये भी सोच रहा है कैसे जाना है। तो अभी यहाँ पे जहाँ पे आपने कैरेंस देखा था वहाँ से जा सकते हैं, बट पानी घुटने तक है यहाँ पे, अंकल बता रहे हैं। उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप आगे उस साइड में एक झंडी है, उस झंडी के पास से आप क्रॉस करो, तो वहाँ से पानी बटा हुआ है और पानी का प्रेशर बहुत कम है, तो आप क्रॉस कर पाओगे। अदरवाइज़ यहाँ से आप जाओगे पानी बहुत ठंडा है, सब भीग जाएगा। हालाँकि ऐसा तो नहीं होता, सब कुछ वाटरप्रूफ मैंने पहना हुआ है नीचे, बट फिर भी क्यों रिस्क लेना, ये मेरी जान है, मेरा डार्लिंग ये इसको प्रॉब्लम होती है, रोने लगता, चिल्लाने लगता, तो इसका भी मुझे देखना है। यार ये तो लिटरली मेरा ट्रैवल पार्टनर हो गया है, ट्रैकिंग पार्टनर हो गया है, मतलब लिटरली कहाँ से चला आया है मेरे साथ, देख रहे हो आप। और जब ये आया है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, अब इसको सही सलामत वापस घर लेके जाना है, लाइक अपने हॉस्टल लेके जाना है। तो चलिए फिर मैं उस झंडे तक पहुंचता हूं और फिर देखते हैं वहां का सीन कैसा है, वहां पे मिलता हूं फिर मैं आपसे। इधर आओ, इधर कम 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 कम, ओए बेब कम कम दिस साइड, कम दिस साइड, कम दिस साइड, कम कम, आ जाओ इधर से, आ जाओ, आ जाओ इधर से, इस साइड से आओ। नाउ आई एम लीविंग, इफ यू डोंट कम देन आई एम लीविंग। ओह माय गॉड, जो एक्सपेक्टेड था ये तो उससे कुछ अलग ही निकला है। यहाँ पे बहाव देख रहे हो आप, पीछे भी देखो, यहाँ पे पानी का प्रेशर तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, बल्कि जहाँ पे हम थे उससे भी ज़्यादा लग रहा है। तो पता नहीं ये झंडी बनाने का क्या मतलब है, पीछे वो दिख रहा होगा, एक झंडी सा दिख रहा है आपको, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहाव कुछ नॉर्मल है या फिर कम है, वैसा ही है या फिर उससे ज़्यादा लग रहा है मुझे, बल्कि पानी कितना गहरा है दिखाऊं? ये ट्रैकिंग पोल देख रहे हो, घुस गया पूरा ट्रैकिंग पोल यहाँ तक, पूरा यहाँ तक ट्रैकिंग पोल घुसा है, देख रहे हो आप, घुटने से भी ऊपर है, ये मेरे घुटने से, ये मेरे थाइस तक आ रहा है, इतना गहरा पानी है। अरे यार इसने तो कहीं और ही भेज दिया भाई ने।
सो फाइनली ये है गोशाल विलेज, पीछे आप देख रहे हो ये पूरा गोशाल विलेज है। अब यहीं से ब्रिज है, ब्रिज क्रॉस करके जाएंगे हम। डॉगी ऊपर है, ऊपर है वो रहा, आ जा ब्राउनी, ब्राउनी चलो 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 चलो। नाउ इट्स फीडिंग टाइम, ब्राउनी को पार्ले जी बिस्किट डाला है। तो अभी यहाँ एक भैया से मैंने पूछा आगे का रास्ता, तो जोगनी वाटरफॉल से एक रास्ता गया हुआ है फर्स्ट मंदिर के लिए, 2 किलोमीटर है आई थिंक वॉक करेंगे, रोड से जाएंगे तो ज़्यादा है, 4 किलोमीटर है शायद, 4-4.5 किलोमीटर। और रास्ता भी बता रहे हैं कि सेफ है। क्या हो गया, कौन मार रहा है, आ जाओ। बहुत साफ़ सुथरा रास्ता मिला है, ये पीछे देख रहे हो आप, सीमेंटेड रोड बोल लो या ट्रेल बोल लो। तो और काफ़ी लोग भी आ गए, मैंने देखा काफ़ी लोग जा रहे हैं, तो अभी चलते हैं फिर। और एक चीज़ यार, वो ब्राउनी तो चला गया ऊपर वाटरफॉल देखने, तो अभी मैं अकेला हूँ, देखते हैं अगर वो आ पाएगा मेरे को सुंघते फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ कुछ नहीं कर सकते, अब वो आएगा अपना घूमते फिरते। आंटी लोग बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग अपना घूमते फिरते रहते हैं इधर उधर, ये आ जाएगा आपके पास सुंघते, तो उसके लिए आप परेशान ना हो, आप जाओ। तो चलो फिर मैं भी चला गया, अब आगे मिलता हूँ आपसे। ये मैं विशिष्ट विलेज से निकल रहा हूँ, लाइक उसके अंदर से ही जा रहा हूँ। बहुत अमेजिंग है यहाँ पे, कुछ घर देख रहे हो पीछे कितना अमेजिंग है, शायद ये टेंपल है आई थिंक, बहुत ही अमेजिंग विलेज है ये, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं वशिष्ठ टेंपल, और अभी आपको मंदिर दिखाता हूं और हॉट स्प्रिंग दिखाता हूं। एक्चुअली मेरे पीछे ही है वशिष्ठ का हॉट स्प्रिंग वाटर, बट वहाँ पे एक ओल्ड मैन है जो कि मना कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग मत करो, देवता है देवता है। फिर भी मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ रिकॉर्ड कर। ये देखो आप, वो रे वो अंकल, एग्जैक्टली बहुत ही गर्म है, 43 डिग्री सेल्सियस है या 50 डिग्री सेल्सियस होगा, बहुत गर्म है एक्चुअल रियली में, बहुत ही गर्म वाटर है। एक्चुअली रामा टेम्पल मीन्स राम मंदिर, तो ये राम जी का मंदिर है, अंदर मूर्ति है डिफरेंट डिफरेंट, और राम जी की भी है,
राम जी हों और उनके साथ हनुमान ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो वही कॉम्बिनेशन के साथ उनकी पूरी मूर्ति है, राम लक्ष्मण सीता और हनुमान। तो आई थिंक पुराना स्ट्रक्चर ये है पत्थरों का, फिर उसके बाद इसको नए में रेनोवेट किया गया है। तो अगर आप वशिष्ठ मंदिर आते हैं तो उसके साथ दो मंदिर और हैं, मेरे पीछे शिव मंदिर, पूरा वशिष्ठ मंदिर, और ऊपर दिख रहा है वो है राम मंदिर। तो तीन मंदिर हैं, तीनों मंदिर में आप आके विज़िट कर सकते हैं, पूजा वगैरह कर सकते हैं। और हॉट स्प्रिंग का अगर आपको इन्जॉय करना है तो वो वशिष्ठ मंदिर में ही है, उसी के अंदर से। वाकई में बहुत गर्म है, और यहाँ पे एक भाई थे उनसे मैंने पूछा था इसकी हिस्ट्री, तो अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी उन्होंने बताया कि वशिष्ठ जी ऋषि वशिष्ठ राम जी के गुरु थे, और उनको नहाना था तो राम जी ने अपने बाढ़ से जहाँ पे अभी हॉट स्प्रिंग वाटर है वहाँ पे बाढ़ से मारा, और उस जगह से वो गर्म पानी निकलता है, तो आज भी वो वैसा का वैसा ही है। तो वापस जा रहा हूँ, यहाँ पे एक ट्रैकिंग पॉइंट है सोलंग वैली, तो शायद ब्लैक दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक ट्रैकिंग पॉइंट है सोलंग वैली, हो सकता है मैं वहाँ पे जाऊँ, बट लोग बोल रहे हैं कि 26 किलोमीटर है, मतलब आना जाना दोनों मिला के एक तरफ का 13 किलोमीटर है। देखता हूँ अगर पॉसिबल होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ कल करूँगा। तो आज का व्लॉग सिर्फ टेम्पल का ही होगा, और मैं कहीं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी 12 बज रहे हैं, सॉरी 1 बज रहा है, ऑलरेडी 1 बज रहा है। चलो देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ से जब मैं वापस जा रहा था टेम्पल के लिए, जोगनी वाटरफॉल से वर्सेस टेम्पल, तो एक आंटी थी जिनको मैं बोल के आया था कि मैं ड्राई एप्पल लूँगा, तो मैं उनसे ड्राई एप्पल लिया, वो 80 बोल रही थी बट मैंने 60 लिया, 60 रुपीज़ में पूरी डील हमारी क्लोज हुई है। तो मैंने उनसे वही पूछा कि आपको घाटा तो नहीं हो रहा ना, तो उन्होंने बोला कि नहीं घाटा क्या, ठीक है। मैंने कहा नहीं देखिए, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे भी ज़्यादा लगे और आपका भी घाटा हो। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, हम समझ सकते हैं, हम भी गए थे घूमने के लिए तो हम भी ऐसे ही सोचते थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई घाटा नहीं हो रहा है, आप जाओ। फिर थोड़ी देर तक और बात बात हुई कि कैसे कितना टाइम लगता है ड्राई एप्पल, लाइक एप्पल को ड्राई करने में, तो 4 से 5 दिन लगते हैं पूरा, मौसम ख़राब हो गया तो और ज़्यादा लग जाता है। और इसको आंटी कह रही थी कि एक एक साल तक चलता है, ये ख़राब नहीं होता है। बहुत ही स्वीट थे, और ऐसे बात करते करते वो सब बताने लगे कि वो कहाँ कहाँ गई थी घूमने। यार आंटी तो मुझसे भी ज़्यादा घूमी हुई हैं, पूरा साउथ उन्होंने घूमा है, चारों धाम वो घूम के आई हैं, बनारस तक वो आई हैं। और तो बस थोड़ा सा ऐसे उनसे बात होते टाइम, और फिर जब मैं वापस आने लगा, लाइक जोगनी वाटरफॉल की तरफ जाने लगा, तो उन्होंने बोला कि ओके बेटा, आपकी यात्रा सफल हो, आप अच्छे से पहुँचो। तो बहुत स्वीट होते हैं, आपको भी मैं ये एडवाइस कर रहा हूँ, अगर कभी भी आप ऐसे जाते हो कहीं पे भी, तो वहाँ के जो भी लोकल्स हैं, आंटी अंकल कोई भी, तो आप थोड़ा सा उनसे बात करिए, थोड़ा जानिए समझिए यहाँ के कल्चर, किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने में कितना टाइम लग रहा है, या जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें आप थोड़ा, कहने का मतलब बस थोड़ा बात करिए तो वो अच्छा रहता है, थोड़ा घुलते मिलते हैं आप लोग।